इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ हीरो एचएफ डीलक्स का माइलेज टेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एचएफ डीलक्स बाइक है, रिसेंटली सर्विस सेंटर से आई हुई है। इसका ऑयल चेंज हुआ है, स्पार्क प्लग क्लीन हुआ है और एयर फिल्टर क्लीन हुआ है। अब मैं माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ, तो माइलेज टेस्ट करने के लिए सबसे पहले माइलेज टेस्टिंग बॉटल दिखा देता हूँ आपके लिए। 100 ml से इसका माइलेज टेस्ट करेंगे। इसका कनेक्शन कर देते हैं सबसे पहले। इसका क्लेम माइलेज है 88 km/L। इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, रिसेंटली सर्विस होकर भी आई हुई है बाइक। ये माइलेज टेस्टिंग बॉटल का कनेक्शन इसमें कर दिया है। अब इसमें 100 ml फ्यूल फिल कर लेते हैं, बॉटल को लगा देते हैं। जैसा कि माइलेज टेस्टिंग बॉटल इसमें लगा दी है, अब मैं इसमें 100 ml पेट्रोल डाल देता हूँ एकदम एक्यूरेट। आप देख सकते हैं इसके साइड में मार्क है, इसका कैप ओपन कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें पेट्रोल डाल देता हूँ 100 ml। आप देख सकते हैं इसमें एग्जैक्ट वैल्यू फिल कर देते हैं, 100 ml एक्यूरेट फिल कर दिया है। अब कैप लगा देंगे, इसका स्विच ऑन कर देंगे। अब बाइक एकदम माइलेज टेस्ट के लिए एकदम रेडी है। इसका ऑडियोमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बाइक ने अभी कवर किया हुआ है 38,340 किलोमीटर एग्जैक्ट। अब इसका माइलेज टेस्ट करते हैं। जो 100 ml इसमें फ्यूल था माइलेज टेस्टिंग बॉटल में, वो आप देख सकते हैं अभी ख़त्म हो गया है। और बाइक को रोक लेते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको पाइप दिखा देता हूँ। ये फ्यूल पाइप, इसमें आप देख सकते हैं इसमें 100 ml का पेट्रोल थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब जो कार्बोरेटर का पेट्रोल है उसको अभी यूज़ नहीं किया हुआ है। कार्बोरेटर का पेट्रोल पहले जैसा ही अभी भी उसमें है, और ये 100 ml का पाइप में अभी थोड़ा सा है, मतलब कार्बोरेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 340 की जगह 348.2 बोल सकते हैं, नहीं तो 3 बोल सकते हैं। तो इसका 82 km/L का माइलेज रहा, क्लेम माइलेज इसका 88 km/L है। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।